में कितने दोस्तों सारे लोग देखो, हैं उस टाइम आजकल? से यहाँ पर बाप मम्मी और रे, भाभी ने लड़ाई शुरू कर दी है, और वो भाई अभी भी लोकेशन ही दिखाने पे लगा हुआ है, और कब काम करेगा, और कह रहा है कि अब धूप आ गई अब मैं घर जाता हूँ। बेवकूफ आदमी है। आप देख सकते हो कि जलन तो होती है अड़ोस पड़ोस वालों को, आप सभी को बताई है। तो जो भी है, इन कांटों के बीच में मुझे इस प्रकार से जीना पड़ रहा है। हमारे साथ एक मेंबर और जुड़ चुके हैं, ये देखा, हेलो बोला, कोई बात नहीं, क्रीम दे दो, मैं गुआ रही हूँ, गुआ क्रीम दे दो है। हेलो, पापा उस पैसे देने की लालच में, देखा उसे पता ही नहीं अभी पैसे क्या होते हैं। देखो तो अभी हम जा रहे हैं मंडुआ लेने के लिए खेत में, और देखो सुबह के टाइम में ना धूप की चमक काफी है, और पहाड़ों पे देख सकते हो कल की तरह कोहरा लगा हुआ है। ये देखिए पूरे कोहरा लगा हुआ है, और धूप की चमक देख सकते हो काफी तेज है इस वक्त, और पूरा आसमान बादलों से भरा हुआ है, किसी टाइम भी बारिश हो सकती है। इसलिए मंडुआ लेने के लिए हम सब जा रहे हैं आज, क्योंकि वहाँ पर सुअर ने भी कुछ नहीं रखा है और सब ने ले भी दिए हैं, और हमारा वहाँ पर हरा हरकत है मतलब पका हुआ नहीं है, तो हम उसे कच्चे ही ले रहे हैं। अब क्या करना है, क्योंकि अब लेंगे नहीं तो वहाँ पर सुअर भी उसका पूरा बर्बाद कर रहे हैं, और साथ में लगातार बारिश भी हुई। आज ब्लॉगिंग बिल्कुल ब्लॉगिंग के रूप में है, और देख सकते हो आप किस प्रकार से ब्लॉगिंग कर रहे हैं एक अलग ही नए अंदाज में। तो इसकी एक क्लिप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से, देखिए बीचों बीच चलने के बाद काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है, दोनों साइड पेड़ है, घर है, गौशाले हैं, तो ये पहाड़ों में घरों की काफ़ी अच्छी खास बात है। देख सकते हैं चारों तरफ काफ़ी सुंदर सुंदर दिखाई दे रहे हैं। बाप, डॉगी को पता नहीं किसने मारा यहाँ पर, देखो बिल्कुल खान पर कुत्तों ने काट दिया उसको। ये देखो कुत्तों ने इतना काट दिया ना, इसमें खून ही खून हो रखा है, बाप रे इतना सारा खून बह रहा ना इसका, देखिए ये देखिए कितना सारा खून बह रहा है। भाभी को देखो देहरादून से बुला रखा है स्पेशल घास काटने लिए, वो भी भाई काम के लिए बिल्कुल बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। किसी को भी हमारे बैल चाहिए होंगे तो संपर्क कर सकते हैं, दोनों बैल हमारे बिकाऊ हैं, और देख सकते हो दोनों खेती में भी, आप पिछला वीडियो उठा के देख सकते हैं इसमें किस प्रकार से खेती करते हैं, और बाकी चाल बहुत तेज है दोनों की। तो आप लोग जिसको भी बैल चाहिए होंगे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके रिप्लाई इंस्टाग्राम पे दे दूंगा। तो देख सकते हो बैल दोनों ही बहुत तेज़ हैं, चाल में भी बहुत तेज़ है, और अगर आपको इसकी खेत की वीडियो चाहिए तो मेरे पिछले ब्लॉगों में देख सकते हो, इन दोनों की हल लगाने की, दनियाल लगाने की, सिरे लगाने की सब वीडियो हैं, तो देख सकते हो आप लोग। ठीक ऊपर जंगल साइड में देखो बादल नीचे आ चुके हैं, और कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है चारों तरफ, और इन साइडों में देखो अभी धूप की चमक पड़ी हुई है, और कुछ ही देर में अगर दिन तक बारिश हो सकती है अगर मौसम ऐसी रहा तो, थोड़ी सी धूप की चमक सामने से पड़ रही है, बाकी मौसम तो पूरा घना घोर हो रखा है। देख सकते हो ये झुंगरा वाले सारी देख सकते हो पूरी तरीके से खाली हो चुकी हैं, और इसमें फिर अब गेहूँ बूतने की तैयारी चलेगी, तो इसमें हल लगाने के बाद गेहूँ बूता जाएगा इन खेतों में। इसमें गेहूँ बूतने की तैयारी भी हो चुकी है, देखो इसमें हल भी लग चुका है इस खेत में, और इस सार ठीक 6 महीने के लिए खुली रहेगी, इसे इस यहाँ की फसल काटने के बाद इस सार को 6 महीने के लिए छोड़ दिया जाएगा मानो। और ये देख सकते हो इसमें ऊंस इतना हो रखा है, इन साइडों में सिलन साइड है ये खेत, तो पूरे पैर भीग गए हमारे, देख सकते हो इतनी सिलन हो रखी है इस साइड। ये देखिए पूरा पानी के बूंदे देखो ऐसी हैं, ये देख सकते हो। दोस्तों देखो उस टाइम से यहाँ पर मम्मी और भाभी ने लड़ाई शुरू कर दी है, और वो भाई अभी भी लोकेशन ही दिखाने पे लगा हुआ है, और कब काम करेगा, और कह रहा है कि अब धूप आ गई अब मैं घर जाता हूँ। ये है भाई काम चोरी, ये है कैमरे के पीछे, आप इन इंसानों को देख सकते हो कैमरे के पीछे, खाली कैमरे को दिखाएंगे कि मैं काम करने आ गया, देखो अब आगे से वीडियो बनाएगा। मैं तो हूँ ही परेशान, मेरी मम्मी ज़्यादा परेशान है इस इंसान से, क्या कर सकते हैं हम लोग हैं। कैमरा मैन वालों की बड़ी दिक्कत है, देखो उन्हें शॉर्ट चाहिए बस, काम नहीं चाहिए शॉर्ट चाहिए, देखो वो आगे से लगे हुए पता, ये देखो अलग ही चल रहा है इस इंसान का, ये देखो घर में असूज का मैना, भाभी को परेशान करता है बस, देहरादून वाली बोल के, नहीं तो मैं तो देहरादून वाली हूँ। बताओ ये है भाई हमारा बड़ा भाई राजेंद्र भंडारी जी, काफी अच्छा गायक, बहुत ही बेसुरा गाना गायक आदमी है, हम तो पहले से ही तैयार रहते हैं, बिल्कुल बेकाम है भाई, क्योंकि
नहीं 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 गलत बोल रहे हो। काम चोर आदमी नहीं है, हमने बहुत काम कर रखा है अपने जीवन में। अभी जीवन ही कितना हो रखा भाई, जीवन ही कितना हो रखा है तो काम रेडी मंडवा लेने के लिए। और ये हुई मेरी दरांती, आप देखते हैं किस प्रकार से लेते हैं। चल रहा है कि कब जाऊंगा मैं गाय मिलने के लिए। अब यही है दिमाग में, तो यही है कि यहाँ से कब निकले ना। हर कोई सोचता है कि कब काम से छुटकारा मिले और घर चले जाए और काम को देखा जाए। ओके, तो मेरी मम्मी इस पे थोड़ी रोशनी डालना चाहोगी क्या? अगर ऐसा होंगे मैं कालो भाई बोले क्या काम चोर होंगे मैं? अरे ना ना यार, काम चोर नहीं, काम तो करम से, पर मैं तो दिमाग खराब करूँगा। काम तो करता है लेकिन बक्सो दी करके काम करता है साले कुत्ता का। जिंदगी एक बार मिलती है, खुल के जिया चाहिए। और जितना भी समय है, को चार कोदा के रोड चाहिए और काम करने के लिए नहीं है, जिंदगी खुल के जीने चाहिए। ऐसा बेवकूफ आदमी है। आप देख सकते हो कि जलन तो होती है अड़ोस पड़ोस वालों को, आप सभी को बताई है। तो जो भी है, इन कांटों के बीच में मुझे इस प्रकार से जीना पड़ रहा है। वो तो कांटे तेरे को चुभ नहीं रहे ना, इसलिए जी रहा है। यहाँ पर देखो सुवर ने किस प्रकार से पूरी खेती की नाश कर रखा है, पूरे मंडोए की। यहाँ पर बालियाँ देख सकते हो पूरी तरीके से, यहाँ पर नीचे जमीन पे मिट्टी में मिला रखी है और पूरे खा रखे हैं। देखो ये देखो पूरे तरीके से खा रखे हैं। अब देखो भाभी किस प्रकार से इन्हें नीचे से टीप रही हैं। ये देखो देखो पूरे तरीके से ख़त्म कर रखा भाई पूरी खेती। तो इस खेत में तो पूरी तरीके से ऐसी है आगे तक, कुछ इन साइड में देखो यहाँ पर पूरे नीचे। तो दोस्तों हमारा थैला इतना भर चुका है, आधा आधा भी नहीं हुआ अभी तो यार, आधा समथिंग होने वाला है, सब डालेंगे। जबकि इस खेत में ये पूरा थैला भर जाता, लेकिन सुवर के वजह से ना ये सब साला गड़बड़ हो गए हैं, नहीं तो दिमाग खराब हो गया। डाल ले शाम को सीधा पौ मारूंगा। हमारे साथ एक मेंबर और जुड़ चुके हैं, ये देखा हेलो बोला, बहुत शर्मा रहे हैं। और रिश्ते में हमारी बुआरी हुई, हम उनके ससुर जी हुए, बहुत शर्मीली बुआरी है और हमारी हेल्प करने के लिए बहुत दिलदार आदमी है, जो दिलदार बुआरी है हमारी, जो यहाँ पर हमारे साथ हेल्प करने के लिए अभी पहुँचे, अपने खेत से ऊपर से यहाँ पर पहुँचे हैं। हेलो बोलो, हेलो तो कर जाए, देखा पहले चलो रेड जाता हूँ, यह तो देखा। अरे मैं दिया जाऊँ था क्रीम देंगे बल एक, बाकी सामने से हमारे गांव का व्यू कितना प्यारा दिख रहा है। तो दोस्तों अभी मैं घर जा रहा हूँ मंडुआ के, जो ये भाई साहब बहुत भारी हो रहा है, अम्म दिखो। तो चलते हैं दोस्तों, बाय 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 राजू, बाय बाय बाय, आओ फिर दोबारा। मैं नहीं आऊँगा अभी, बहुत पचा है माल पटो लिया है वो। मैं भारी जी, आप कुछ कहना चाहते हो? इसकी बोला ना सका नहीं देखो, पहला मैंने अंदर कमरे में रख दिया है, बाकी गाय मिलने का समय भी हो चुका है, लोग अपनी गायों के लेकर चरने के लिए जा रहे हैं और अब मुझे भी जाना है अपने बैलों को लेके चरने के लिए, भेजने के लिए, चरने भेजने के लिए। और वहाँ पर से लेके चलते हैं गायों को, और अभी किसी की गाय भी ले जानी है, कॉल करते हैं तब तक उसे। बाकी मैं अभी बैलों को लेके ग्वाला जा रहा हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपको। दोस्तों घर पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर देखो पापा क्या कर रहे हैं। अरे वादा का रोटा खाल, यहाँ देखो पापा मस्त तमाकू
बना रहे हैं। ये मार्केट का तंबाकू नहीं है, खुद खेती करके बनाया हुआ इस बार मेरे पापा ने। दोस्तों अभी नहा धो के बिल्कुल मस्त हो चुके हैं और अभी लंच भी हो चुका है। अब चलेंगे हम अपनी गौशाले की तरफ और क्या पता रेस्ट करने में नीचे जाऊंगा। काना मस्त तरीके से खेल रहा है। हेलो बोलो, हेलो, आज हेलो नहीं बोला तुमने, हेलो बोलो, हेलो 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 बोलो ना। और गाइस रोशन भाई चोरी करते हुए और यहाँ गाली भी खा रहे। कम कम ले। बहुत सारे अमरूद पके हुए थे वहाँ पर, मैंने सोचा एक दो हाथ में भी मार दूँ। और अब पहाड़ों में अमरूद भी पक चुके हैं, तो अच्छे अच्छे अमरूद लेके आए, मैं दो चार लेके आए पर पके पके ला के आए जिसपे पीला पीला हो गया। तो दोस्तों अभी शाम के करीब 6:30 बज चुके हैं और यहाँ पर घास भी दे दिया हमने गौशाले पे सभी गाय भैंसों को। अब चलते हैं दोस्तों घर की तरफ और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और अगर ऐसी वीडियो आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय मेरे दोस्त।